अभी जो संविधान बना है संविधान सभा से, उस संविधान में हम मधेसियों को, विगत के जो सरकारें थी और विगत में हमने जो आंदोलन किया था, 53 मधेसी शहीद हुए थे, उस समय जो समझौता हुआ था, उस समझौता को, समझौता के हिसाब से जो संविधान निर्माण होना था ये नहीं किया गया। तो एक कारण तो हुआ कि हमारे साथ मूवमेंट में जो सकारा गया था उसके आधार पर संविधान नहीं बना। 7 प्रदेश में एक छोटा सा टुकड़ा मधेस को मिला, आधा प्रदेश का, और कहा जाए तो 6.5 प्रदेश में उन्हीं का शासन होगा, न मधेस का शासन होगा, न थारुओं का शासन होगा, न पहाड़ के जनजातियों का शासन होगा। इस प्रकार से सोच समझ करके किया है ये साजिश के तहत, फिर अधिकार न देने के सोच के हिसाब से ये षड्यंत्र हुआ है। और जनता का जो भावना था, जनता को जिस शर्त पर उसने मतदान करवाया था, मत लिया था कि आपके विगत के समझौता के आधार पर संविधान बनेगा, हम करवाएंगे, कांग्रेस, एमाले और माओवादी, तीनों पार्टी ने कहा, तीनों पहाड़ी पार्टी है, उसने कहा कि जो भी समझौता हुआ है मधेस के साथ, थारुओं के साथ, जनजातियों के साथ, उसके आधार पर हम संविधान बनाएंगे और आपको अधिकार संपन्न करेंगे, ये काम हम करेंगे। और जनता ने भरोसा किया, मधेस की जनता ने भरोसा किया, उन कांग्रेस, एमाले, माओवादी को वोट दिया, जनजातियों ने, थारू ने वोट दे दिया, उसका दुरुपयोग किया सीए संविधान सभा में जाकर के, वो जो जनता का जिस विश्वास के आधार पर मत मिला था, वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बने, तो वो गणित का उसने दुरुपयोग किया, धोखा मिला जनता को। और वही जनता जिसने 2/3 मेजोरिटी उसको दिया, वही जनता सड़क पर लड़ रही है, मर रही है, उस जनता के सीने में गोली चलाई जा रही, वही आज 54 दिन से नेपाल में सड़क पर है, सारे नेपाल में आम हड़ताल है, बंद है, नाकाबंदी चल रहा है, सब कुछ है, और लाखों लाख जनता सड़क पर है। ये मूवमेंट किसी के विरोध में नहीं है, ये किसी कम्युनिटी के विरोध में नहीं है, किसी के विरोध में, अधिकार प्राप्ति की लड़ाई है। हम नेपाल में एक सबल नागरिक होकर के जीना चाहते हैं, अधिकार संपन्न होकर के जीना चाहते हैं। और जहाँ तक सवाल है इस संविधान में हमें क्या चाहिए, हमें प्रदेश चाहिए था, मधेस प्रदेश चाहिए था, हमें अधिकार संपन्न प्रदेश चाहिए जो प्रांतीय सरकार कुछ कर सके। शादी करके ले जाने के बाद उसको तुरंत नागरिकता मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं दिया। हम चाहते हैं कि उसमें गारंटी हो, हम हमारा बेटी रोटी का जो संबंध हो कायम रहे, वो टूटे नहीं। और हमें आशंका है कि शादी करके जाने के बाद ये बाद में 5 बरस 10 बरस ऐसे कोई कानून लगा देगा तो हमारा संबंध टूट जाएगा, हमारा ये नेचुरल जो सीमा क्षेत्र के खास करके जनता, दोनों देश की जनता के बीच का जो सदियों पुराना जो संबंध है उस पर असर पड़ने वाला है।